नमस्कार, अभी मैं ग्राम कटरा के वार्ड नंबर 12 में हूँ और मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर 12 महीने कीचड़ बनी रहती है व गंदा पानी भरा रहता है, जिस वजह से इस वार्ड के लोगों को आने जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस वार्ड के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कीचड़ होने से उन्हें कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे क्या समस्या है माँ? हमारा समस्या है निकलने को नहीं, हम 12 महीना परेशानी है। कैसे दिक्कत होती है आपको? पानी ले जाए तो गिर जाए तो यह नाले में, और निकली तो भर जाए तो यह गिला में, बस यह परेशानी है हमारा। तो यहाँ पे 12 महीने पानी भरा रहता है? 12 महीना भरा रहता है, झूरा हो चाहे ओधा हो। तो अम्मा, कभी आपने इस समस्या समाधान के लिए कहीं पे शिकायत किए हैं? हाँ। कहाँ पे किए हैं? सचिव सरपंच को किए हैं। क्या बोले हैं? हम कहे यह गिला जो हो तो हमको निकल यहाँ व्यवस्था बना दी। तो अम्मा, ये पानी कहाँ पे भरा रहता है? ये परशुराम के घर के पीछे। तो क्या महीना? 12 महीने पानी ऐसे रहता है? 12 महीना यही धंधा है, चाहे झूरा हो चाहे वो धमा, तो अब भरवाई करेगा नहीं तो झूरा होगा। तो कितने दिनों से समस्या बनी हुई है मात्रा? तो कई साल हो गए भैया। किस मोहल्ले से के नाम से जाना जाता है आपके मोहल्ला? ये डोढ़ा मोहल्ला। डोढ़ा मोहल्ला? हाँ। तो क्या चाहते हैं अम्मा आप? अब हम कहते हैं बनवा देओ भाई, यही चाहते हैं। यहाँ पे अभी क्या समस्या है? समस्या ये है सर, यहाँ पर कि अपन कई बार यहाँ मतलब ये नाली निर्माण के लिए ग्राम सभा में कई बार प्रस्ताव भी किए, सच और दिए भी, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई मतलब देख रेख यहाँ करने वाला ही नहीं। कितने बार प्रस्ताव दिए और कोई भी मतलब सचिव हो गया, सरपंच साहब हो गए, उस बात में ध्यान ही नहीं देते। अपन कई बार बोले कि यहाँ नाली का निर्माण करवा दीजिए, आम जनता यहाँ परेशान हो गई आने जाने में, तो कोई उस बात को सुनते ही नहीं। तो ये रास्ता किस मोहल्ले की गई है, किस वार्ड को गई है? ये 12वें वार्ड में है। अच्छा, तो इस वार्ड में लगभग कितने परिवार रहते होंगे? यहाँ कम से कम 20 से 25 परिवार रहते हैं, इस रास्ते से आना जाना उनका होता है। तो यहाँ पे ऐसी 12 महीने ऐसी समस्या बनी रहती है, पानी भरी महीने, बारिश हो तो ना हो तो। तो आप क्या चाह रहे हैं पंचायत से, क्या होना चाहते हैं पंचायत से? कि इसका नाली निर्माण करवा दें ताकि आम जनता को परेशानी ना जाए यहाँ से आने जाने में। हमको ये समस्या है कि हमारा ये नाली गिला, इसको सचिव सरपंच बनवा दें। 24 घंटा का रास्ता है, हम पंचायत में बोलते बोलते तो हम थक गए, बाकी कोई सुनाई नहीं। तो क्या चाहती दीदी आप? हमारा ये नाली बनवा दें, ये कीचड़ हट जाए ताकि हमको आने जाने में तकलीफ ना हो। लड़का बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं कीचड़ में, भिड़ जाते हैं, लौट के घर चले जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ने यहाँ के समुदाय के साथ बैठक किया, बैठक कर वीडियो स्क्रीनिंग कर समस्या वीडियो बनाया व यहाँ के सरपंच महोदय से फ़ोन के माध्यम से समस्या समाधान के लिए बात किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जल्द ही वहाँ पर नाली निर्माण का कार्य करवाएंगे ताकि वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो और उस मोहल्ले के लोगों को किसी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर वायरल करें ताकि इस समस्या का समाधान जिम्मेदार प्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जल्दी से जल्दी किया जा सके। मध्य प्रदेश के जिला कटनी विकासखंड धीमा खेड़ा से मैं निरंजन उटिया, इंडिया अनहट के लिए।